यदि हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो लेने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। मानव को लेने की नहीं देने वाला होना चाहिए। ये रेवड़ी की राजनीति तब खुद बंद हो जाएगी जब हम लेना छोड़ देंगे। ये बातें पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने छत्तीसगढ़ में अपनी जनगणमन यात्रा के दौरान युवाओं और महिलाओं के समूह को संबोधित करते हुए कही। डॉ. कोठारी की यात्रा रायपुर से जांजगीर अकलतरा होते हुए कोरबा पहुंची। यहां उन्होंने एक ओर राजनीति से जुड़े दिग्गजों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो दूसरी ओर सामाजिक संगठन, श्रमिक संगठन, महिला संगठन सहित युवाओं और किसानों से बात कर विभिन्न ज्वलंत विषयों पर न सिर्फ उनका मन जाना बल्कि गंभीर मंथन भी किया। लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्या, राजनीति की दिशा व इसके समाधान और परिणाम पर खुलकर बातें की। कोरबा में डॉ. गुलाब कोठारी ने महिलाओं और युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी भूमिका चुनाव में कैसी हो। इसके लिए आवश्यक है कि सही प्रत्याशी का चयन करें। बेहतर भविष्य के लिए मतदाताओं को, खासकर युवा वर्ग को, आगे आना होगा। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। शुक्रवार को डॉ. कोठारी की यात्रा कोरबा के कटघोरा होते हुए बिलासपुर पहुंची। यहां मिलने आई महिला शक्ति से आह्वान करते हुए डॉ. कोठारी ने कहा कि यदि महिलाएं चाहें तो राजनीति की दिशा बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर आगे आना होगा ताकि राजनीति को सकारात्मक दिशा मिले, देश में सुख शांति और विकास को और गति मिले। सोच रहे हैं कुछ भी माने, ये समाज को क्या लाभ मिला, जो मिलना चाहिए था मिला नहीं मिला, या अब हम पिछले वाले लाभ से अगर कंपेयर करेंगे तो हम कहाँ करें, जो जिस कारण को लेकर हमने सरकार को बदला, क्या वो कारण सही साबित हुए 5 साल में, दोनों ही गंभीर दिन की बात है। तो हम अपने निर्णय के प्रति गौरवान्वित होंगे या अपने निर्णय को गलत मान रहे हैं।